हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल महक रसोई। और आज मैं आई हूँ एक और रेसिपी लेके। तो चलिए बनाते हैं हम एक और रेसिपी, प्याज वाली कढ़ी। और उसमें बनेंगे प्याज के ही पकौड़े। प्याज वाली पकौड़ी और कढ़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए बनाते हैं। एक हम बाउल ले लेते हैं और उसमें हम लेते हैं एक छोटी कटोरी बेसन, एक बाउल बेसन, और उतना ही एक छोटी कटोरी हम लेंगे दही। जितना हम बेसन लेंगे उतना दही, और अगर आपको और खट्टी चाहिए तो आप डबल कर सकते हैं दही की क्वांटिटी। और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो बिल्कुल इसमें लम्स ना रह जाए, बिल्कुल इस तरह से इसको विस्कर की मदद से पूरा इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे कम से कम 1 लीटर, और इसका बैटर हम पतला बना लेंगे, बिल्कुल थिन बैटर इसका हम बनाएंगे कढ़ी बनाने के लिए। बिल्कुल इसको स्मूथ, एकदम स्मूथ करने के बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसका बैटर बना के हम साइड रख लेंगे। कढ़ी एक अच्छा रेसिपी है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छी करती है, क्योंकि इसमें दही है और इसमें अच्छे अच्छे एंजाइम्स होते हैं, और इसमें प्रोटीन है क्योंकि इसमें चने की दाल का कॉन्टैक्ट होता है। और उससे क्या होता है कि जब ये कढ़ी हम बनाते हैं तो हमारे पेट के लिए अच्छी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। जब हम कढ़ी बनाते हैं और कढ़ी खाते हैं तो वो पेट के लिए अच्छी होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छी करती है। हाँ, बस मसाले ज़्यादा नहीं डालने चाहिए, उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया है, उसमें हमने कढ़ाई रख ली और उसमें हमने ऐड किया है सरसों का तेल। सरसों के तेल और देसी घी में ही कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। इसमें हम ऐड करेंगे वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो इसके स्वाद को एकदम लाजवाब और अच्छा बनाती है। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं जीरा, थोड़ी सा मेथी दाना ऐड करेंगे, और फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च, और कटा हुआ प्याज। 1 by 1 एक एक करके सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें सौंफ ऐड किया है, थोड़ा सा हम इसमें धनिया के दाने, साबुत धनिया के दाने इसमें हम ऐड करेंगे। अगर आपने कभी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी कढ़ी खाई होगी, और उनका जो स्वाद एकदम इन्हेंसिंग होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब वो कढ़ी पूरी तैयार हो जाती है, बन जाती है, तो उसमें वो क्या करते हैं, देसी घी में तड़का लगाते हैं, उसमें डालते हैं हींग, साबुत धनिया, सौंफ और लाल साबुत मिर्च, वो भी कश्मीरी वाली, और उसको पका के उसको छौंका लगाते हैं, इसलिए उस कढ़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसमें हमने ऐड किए हैं 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, वो इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, कटा हुआ प्याज, और जब वो उसमें ऐड करने के बाद उसका हम उसको ज़्यादा हम प्याज को नहीं पकाएंगे कढ़ी में। बस एक ही ये बात याद रखनी होती है कि प्याज का स्वाद कड़वा नहीं लगना चाहिए, तो उसको क्या है कि हम बिल्कुल पिंकिश रखेंगे उसको, हम ज़्यादा उन्हें जैसे वो मॉइस्चराइजर छोड़ने लगे, ज़रा ज़रा सा ट्रांसपेरेंट होने शुरू हो जाए, जैसे ही ट्रांसलूड हो, बस उसके बाद उसमें हमें अब सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके कढ़ी छोंक देनी है। बस यही एक इसका ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं कि इसमें जो है सिर्फ मेथी दाना और जीरा और जो साबुत मसाले हैं बस वही अच्छे से रोस्ट होने चाहिए और तेल में अच्छे से पक जाने चाहिए, बाकी प्याज और लहसुन जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए। उसमें हम हल्के हल्के मसाले डालेंगे। इसमें हमने डाली 1 teaspoon धनिया, 1 teaspoon हल्दी, और हम डालेंगे 1 red chili powder 1 spoon, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि कढ़ी में ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बाद जब ये पूरा एकदम से रेडी हो जाए, पूरा देखिए उसमें जो प्याज वैसा वो सब कुछ मिक्स हो गया, ऑब्जर्व हो गया, अब उसमें हम ऐड करेंगे जो हमने बैटर पहले बनाया था बेसन और दही का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर लगता है कि ये थिक हो गया है तो इसमें क्या करिए कि थोड़ा और वाटर ऐड कर सकते हैं, बट ये इनफ है, 1 लीटर पानी इनफ होता है और 1 बाउल बेसन और दही को बनाने के लिए। अब हम बनाएंगे प्याज के पकोड़े। तो हमने लंबे लंबे स्लाइसेस काट लिए थे, 2-3 प्याज काट लिए थे, मोटे मोटे हमने हरी मिर्च काट ली, उसमें हमने बेसन ऐड किया उसके बैटर बनाने के, उसका जो उसका बनाना है हमने मिक्सर बनाना है उसके लिए, और उसमें हल्के हल्के मसाले डाले, थोड़ा सा हल्दी, धनिया, मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जो भी जिसको पसंद है वो इसमें ऐड कर सकता है, अजवाइन भी डाल सकता है, क्योंकि अजवाइन से
सुपाच्य अच्छा होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसको हमने ऐसा बना लिया थिक, एकदम इसका मिक्स बना लिया, और इसके बाद हम इसकी बनाएंगे पकौड़ी। और ऑलमोस्ट हमारी कढ़ी डन होने वाली है। कढ़ी को चलाना नहीं होता है, वो अपने आप ही ऊपर एक रोटी की लेयर बन जाती है और वो धीरे धीरे पकने लगती है, तो वो समझ में आ जाता है कि कढ़ी हमारी पक रही है। अगर वो फट जाती है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर ऊपर रोटी की लेयर बन जाती है और वो धीरे धीरे पक रही होती है तो समझ जाइए कि हमारी कढ़ी एकदम, हमारे प्याज के पकौड़े ऑलमोस्ट रेडी हैं। इसको हम बना लिए हैं, और छोटे छोटे बनाइए, बड़े बनाइए, अपने हिसाब से बनाने होते हैं कि हमें क्या साइज़ के इसके पकौड़े बनाने हैं, छोटे बड़े जैसे भी वो बना के अब हम इसको कढ़ी में ऐड करेंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए, एक दो मिनट के लिए इसको उसमें ऑब्जर्व होने देंगे, मतलब बॉयल होने देंगे। कढ़ी का अभी हम फ्लेम ऑफ नहीं करेंगे, उबलता रहेगा। और जैसे ये पूरा डन हो जाएगा फिर हम इसकी करेंगे गार्निशिंग। ये देखिए, ये जो बॉयलिंग का जो प्रोसीजर है, ये देखिए जो इसे हो रहा है, ये हल्का नहीं हो रहा, बहुत मोटे मोटे फूट रहे हैं बबल्स, तो इसका मतलब ये परफेक्ट डन हुई है हमारी कढ़ी, इस तरह के मोटे मोटे बबल्स। अब मैंने भी इसमें छौंका दे दिया है साबुत लाल मिर्च का, जीरा का, धनिया का और हींग का, हमारी कढ़ी हो गई रेडी। यही कढ़ी का एकदम इंग्रेडिएंट्स है, मास्टर इंग्रेडिएंट्स हैं, जिससे ये बिल्कुल लाजवाब लगती है। इसकी गार्निशिंग करेंगे हम कसूरी मेथी से, और उसके बाद हम सर्व करेंगे इसको राइस, सैलड और सब्जी के साथ। है ना लाजवाब, मस्त बिल्कुल। होप यू लाइक इट माई वीडियो। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे हिट जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो मिलती हूँ मैं आपको फिर से नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।